गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि हमने आपको स्टैटिक्स के बारे में बताया, स्टैटिक्स की दो एक्सरसाइज खत्म हो गई, बाकी दो एक एक्सरसाइज ग्राफिंग की है जिसे हम बाद में बताएंगे। अब हम लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन करने जा रहे हैं, एग्जांपल बताने आपको जा रहे हैं, रेखाएं और कोण का एग्जाम्पल बताना है। पहला एग्जाम्पल इसका कह रहा है इन फिगर 6.9 लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 फाइंड द ऑल एंगल। ये आप फिगर देखेंगे, एक लाइन पी क्यू ने लाइन आर एस को इंटरसेक्ट कर दिया, लाइन आर एस को इंटरसेक्ट किया, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। पी ओ आर ये वाला एंगल आपका और एंगल आर ओ क्यू ये वाला एंगल, देखिए हाफ चांद यानी लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर जब बनाएगा तो दोनों एंगलों का सम 180 के इक्वल होगा, यानी एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 एल पी। एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 गिवेन, क्वेश्चन में दिया हुआ। सम ऑफ रेशियो 5+7 इज इक्वल टू 12। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5/12 × 180, क्योंकि दोनों का सम 180 है, यानी 12 × 12 = 15, 15 × 5 = 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7/12 × 180, 12 × 12 = 15, 15 × 7 = 105 डिग्री। अच्छा, अब पी ओ आर आर ओ क्यू मालूम हो गया, तो पी ओ आर का वर्टिकली अपोजिट एस ओ क्यू है। पी ओ आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल एस ओ क्यू है, और आर ओ क्यू का आर ओ क्यू का वर्टिकली अपोजिट एंगल एस पी ओ एस है, तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 75 डिग्री वर्टिकली। देखिए ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो चारों एंगल आपको फाइंड हो गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में कह रहा है इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू ले रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स फाइंड एंगल आर ओ टी। देखिए इसमें ये कह रहा है कि ओ एस पी ओ क्यू पे स्टैंड है, और ओ आर और ओ टी पी ओ एस और एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है। जब एंगल बाइसेक्ट होता है तो हाफ पार्ट इक्वल होता है। फिगर आप देखेंगे कि रे ओ एस, ओ एस देखिए, ओ एस स्टैंड ऑन पी क्यू, पी क्यू लाइन पी क्यू पे ओ एस स्टैंड है, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 रीजन होगा लीनियर पेयर। अच्छा, हम पी ओ एस को लेट एक्स माने ले रहे हैं, एक्स तो एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अच्छा, रे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, पी ओ एस को पी ओ एस को ओ आर ने बाइसेक्ट कर दिया, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी ओ एस, यानी हाफ इंटू एक्स यानी एक्स बाई टू। और एस ओ टी, एस ओ और टी को ओ एस ने बाइसेक्ट किया, तो एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 1/2 एंगल एस ओ क्यू, यानी 1/2 एस ओ क्यू की वैल्यू 180 - x यानी 90 - x/2। एंगल आर ओ टी, आर ओ टी को आप देखेंगे दो एंगलों से मिलकर बना है, कौन कौन, आर ओ एस प्लस एस ओ टी। आर ओ एस की वैल्यू एक्स बाई टू है, एस ओ टी की वैल्यू 90 - x/2। माइनस और प्लस एक्स बाई टू निगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 90 डिग्री, यानी एंगल आर ओ टी की वैल्यू 90 डिग्री। अब आप आ जाएंगे एग्जाम्पल 3 में। इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। प्रूव दैट POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे OP, OQ, OR, OS चार रेज हैं, हमने इस OT ड्रा कर दिया, ड्रा OT को ड्रा किया,
अब आप देखिएगा कि एंगल TOP ये वाला एंगल आपका एंगल POQ प्लस एंगल POQ ये वाला एंगल हाफ चांद बना रहा है, दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, लीनियर पेयर एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 LP ये भी लीनियर पेयर, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। बट एंगल SOQ दो एंगलों से मिलकर बना है एंगल SOR प्लस एंगल QOR पर आम सेकंड में आप देखेंगे सेकंड में TOS प्लस SOR SOQ की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर देंगे तो एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360 प्लस 180 360। अच्छा TOP और TOS मिलकर POS बनेगा एंगल POS प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 यही प्रूव करना है।